हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठा हूँ बहुत खुशी और उल्लास से, क्योंकि आज है वैलेंटाइन और मेरे बहुत सारे उम्मीद थे कि ना लवली ये करेगी, लवली वो करेगी, बट लवली क्या लेके बैठ गई ये देखिए गाइस। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद कैमरा में, ये कौन सा लिक्विड लेके आ गई है पता नहीं, क्या है ये? बताती हूँ मैं आपको, ये पकड़ो। मेरे को तो इसका कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इनके बाल ना बहुत दिनों से बहुत ज्यादा रफ, ड्राई और वाइट हो रहा था, और डैंड्रफ भी हो रहा था। थोड़े बहुत इनके बाल वाइट हो गए, तो मैंने सोचा इनके बालों के लिए कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स मंगवाया जाए। तो मैं स्टीमियो का कुछ मंगवाई है, ये देखिए, स्टेमियो का हर्बल प्रोडक्ट, ये देखिए, तो ये ये है आंवला पाउडर, हिबिकस पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर और ये भृंगराज पाउडर। ये पांच पाउडर है जिनको मिला के, एक एक चम्मच मिला के पानी में, या आप तेल में भी मिला के लगा सकते हैं पानी में भी, और रात भर भिगो के इसे क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये लड़की का प्रोडक्ट जो है ना, मेरे बाल में पूरा लगा रही है। और लड़की जो का प्रोडक्ट नहीं है ये, लड़का लड़की कोई भी, मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि अच्छा, बाल सबके होते हैं और सबके बाल रफ और ड्राई होते हैं, वाइट होते हैं। तो इसको लगाने से कि क्या कहते हैं, बाल कंट्रोल हो जाते हैं, वाइट होना कंट्रोल होता है, डैंड्रफ खत्म हो जाता है, और जो ड्राई ड्राई बाल होते हैं, रफनेस, वो खत्म हो जाता है। मैं तो 5-6 साल से इसे यूज कर रही हूँ, मेरे थोड़े बहुत व्हाइट बाल थे तो वो बिल्कुल ही कंट्रोल हो गए, उसके आगे बढ़े ही नहीं मेरे बाल। तो ये मैं प्रोडक्ट ना 5-6 साल से यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में, तो जिसको नहीं पता वो अप्लाई कीजिए। और मैं इसका पूरा डिटेल, कौन सी कंपनी का है, कितना प्राइस है, सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं इसे। ठीक है, मैं लगा कर देखता और अब हूँ। मैं इनके बालों में अप्लाई करती हूँ और देखते हैं कि इनको कैसा लगता है वॉश करने के बाद। जल्दी जल्दी करिए, ऑफिस के भी लेट हो रहे हैं। ये तो 5 साल से यूज करिए, तो आई होप ये अच्छा ही है, क्योंकि मेरा इसके बाल एक्सपीरियंस तो हाँ बहुत ज्यादा हाँ अच्छा है हाँ और मेरे बालों को बहुत फायदा मिला हाँ है। इसके बाल देख के मैं कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए तैयार होते हैं। तो आज है वैलेंटाइन डे और 14 फरवरी को हमारा हल्दी सेरेमनी भी हुआ था, तो आज पूरे 1 साल हो गए। तो आज वैलेंटाइन डे है, ये गए हुए ऑफिस, उनको बहुत ज़रूरी काम था, छुट्टी ले नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा घर पे ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेती हूँ। तो सेलिब्रेशन कर रही हूँ मैं इनके लिए, और आपको भी दिखाती हूँ कि पूरा डेकोरेशन आज का, और आज का सेलिब्रेशन जो भी हम दोनों मिलके छोटा मोटा आपस में करते हैं, वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए आगे। भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सतनोहरि तदेव लगणम। तो गैस, मैंने अभी इतना डेकोरेशन किया है और बाकी का धीरे धीरे अभी और करूँगी। अभी बैलून्स लाने में तो मेरा मुंह पूरा दुख गया, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर का काम करके, मार्केट का केक तो खाते नहीं है वो, तो इसीलिए घर पे केक बनाने के लिए मैंने डो रेडी किया। अभी घर पे फटाफट केक बना लेते हैं, फिर 1 घंटे में वो आ ही जाएंगे, तब तक हमारा सारा काम और सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मेरा ये देखिए फाइनल डेकोरेशन हो चुका है, देखिए कैसा लग रहा है। ये मेरा फाइनल डेकोरेशन हो चुका है और पूरा घर वर भी मैंने साफ कर दिया है। अभी वो आते ही होंगे कुछ देर में, अब उनको देखते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको कैसा लगता है। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, अब बस 10-15 मिनट वो आते ही होंगे, ऑफिस से निकल चुके हैं, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो गाइस, वो आ चुके हैं और गेट के पास खड़े हैं, और मैं गेट खोलती हूँ और देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है। आप लोग भी देखिए। एक मिनट, अभी खोलूंगी नहीं, एक मिनट वेट करना, लाइट बंद कर देती हूँ मैं। एक सेकंड, देखते हैं, रुक भी देखिए। आ गए, अंधेरा ही अंधेरा है।
अरे तभी इतना लेट लगा रही थी ना। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। थैंक यू यार, ये तो बहुत औसम से डाली है यार। कैसा लग रहा है आपको? लग रहा लाइफ एनर्जी लगी है। हाँ, ऐसे ही मैं सोच रही थी कि लाइट कम जुटेगा कम अभी। लाइट में देखूंगा आपको। बैठ गए। आजा आजा तुम भी। हमें पहले बताओ कैसा लग रहा है? कोई यकीन नहीं आ रहा, अकेले सजा दी तू। सच पूछो तो अकेले ना कर ली? हाँ, टाइम लगा थोड़ा बट कर ली। वाह भाई, सही है सर, थैंक यू सो मच। सही कर दिया। रूम में भी कुछ किया क्या? नहीं, उतनी वो नहीं थी हिम्मत मुझमें कि पूरा घर सजाओ, बस इतना ही। इसको ही करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। बैलून फुलाने में मेरा मुंह का जो बैंड बजा है ना, मुझे ही पता है। तो गाइस, तब बहुत बढ़िया से ये कर दी है। इतना तो उम्मीद इस लड़की से था नहीं। हाँ, आपको क्यों मुझसे उम्मीद होगा? अच्छा लग रहा है। बहुत ऑसम लग रहा है। हमें गेट खुलवा रहा है, ये खोल नहीं रही है। मेरे को लग रहा है क्या बात है भाई, खोल नहीं रही है। हमें बाहर आना चलता और है। हमारे अच्छा, सिवा हमारे घर पे कोई और भी आ रहा है क्या? हाँ हमारे दोस्त आ रहे हैं। और आज हम मैचिंग मैचिंग हाँ में हैं। सैम्पल। आपको देख के मैंने भी जल्लू पहना, आप तो कैसे कर तो सैम्पल दिया। वैसे आज है ना हमारा हल्दी भी है, तो इसलिए इसीलिए मैं येल्लो येल्लो पहना है आपने। हैप्पी हल्दी सेरेमनी। हाँ सेम टू यू। इसको याद था नहीं, मैं ही याद दिलाया। मैं आपको बता ओ, दूँ। याद करते स्टेटस, पूरा दिन तो मेरा स्टेटस लगा है। अच्छा तो गाइस अब थोड़ा कुकिंग कर लेते हैं। हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ मेहमान वैलेंटाइन डे पे। मेहमान नहीं, मेरे दोस्त हैं मेहमान ही हुए, दोस्त घर में आता तो कोई मेहमान ही हुआ ना, तो यस हम साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। और ये तो अपना तामझाम, आपको पता ही होगा तामझाम क्या होता है इनका। ताम धाम मतलब होता है नॉन वेज। तो गाइस चलिए खुद बना लेते पकाएंगे हैं। खुद खाएंगे। तुम क्या बनाएगी अपने लिए? पनीर मैं कुछ भी सूखा रूखा खा लूंगी। वेज वाला डीलिंग नहीं तो पनीर बना लो। चिल्ली पनीर, चिल्ली पनीर चिली नहीं, मैं नॉर्मल पनीर बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी यही फंडा है और देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। जल्दी जल्दी बनाते हैं, लेट हो जाएगा। और दिखाते हैं आपको खाना बनाने के बाद। तो ये देखे गाइस, ये ड्रेस भी नहीं चेंज किया, अपने कपड़े भी नहीं चेंज किया, ऑफिस जाके फटाफट कुकिंग पे लग गए। और ये इनका मसाला फ्राई हो रहा है। मसाला नहीं, प्याज फ्राई हो रहा है। हाँ तो उसमें मसाला जाएगा, फटाफट अपना बना लेंगे आप, फिर हटा लेंगे, फिर मैं अपना वेज का बनाऊंगी, है ना? कितना टाइम लगेगा आपको? कोशिश कर रहा हूँ जल्दी बन जाए। आपके दोस्तों के आते आते बन जाएगा। कोशिश ओके ये हो। ठीक है, फटाफट आप बना लो, मैं बाकी का अरेंजमेंट देख लेते। ठीक है, चलो गाइस देखिए हमारे घर कौन आया है। सरप्राइज। आज हमारे घर गेस्ट आए हैं। गेस्ट? और क्या, हम गेस्ट नहीं मानते लोगों। बोलेंगे आप? मेरे से बोलवाएंगे अपने? बोलेंगे हेलो। ये छोटी सी गुड़िया, हाय कर, हाय हाय, अरे से हाय पूछो कैसे हो। तो चलो केक कटिंग करें, चलो इसको कहीं स्टैंड कर दो साइड में। नहीं, होममेड केक। तो ये आर्या फर्स्ट टाइम केक कट करने जा रही है हमारा भाभी के साथ, भाभी और चाची के साथ। तो गाइस हमारा केक कटिंग हो चुका है और हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए। हमारे पतिदेव आज इन्होंने सारा कुकिंग किया तो काफी थक गए हैं और कार्ड भी खेल के, तो हमारा वैलेंटाइन खत्म होता है यहीं पे। एक और मैं चेहरा बताती हूँ, ये एक देखिए और बताती हूँ। आर्या लो लो लो, आर्या आर्या लीजिए लीजिए। मैं तुम्हें ना एक लिंक शेयर करती हूँ, उसके देखना। प्रिटी वुमन, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन लवली ऑसम।